राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कार्यक्रम पुल यू बना। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते। आज हम तुम्हें क्या सुनाएंगे? हाँ, कहानी। क्या? कहानी। कहानी, चार दोस्तों की कहानी। अच्छा, अब तुम चार दोस्तों से मिलो। सबसे पहले हम मिलते हैं गिलहरी रानी से। मैं हूँ नन्ही गिलहरी, मैं हूँ नन्ही गिलहरी, जंगल में मैं घूमती हूँ, पेड़ों पर मैं झूमती हूँ। हाँ, पेड़ों पर तो गिलहरी को चढ़ते हुए हमने भी देखा है भाई, तुमने भी देखा है ना? हाँ, शाबाश। चलो अब दूसरे दोस्त से मिलते हैं। मैं हूँ खरगोश, मैं हूँ खरगोश, नरम नरम बालों वाला, लंबे लंबे कानों वाला, मैं हूँ खरगोश, मैं हूँ खरगोश। हाँ, पहले तुम मिले गिलहरी से और फिर मिले खरगोश से, और अब बारी है नहीं समझे? अरे भाई, तीसरे दोस्त का नाम है बंदर। बंदर। मैं हूँ बंदर, मैं हूँ बंदर, लंबी कूद लगाता हूँ, पेड़ों पर चढ़ जाता हूँ, मीठे फल खाता हूँ, मीठे फल खाता हूँ, मैं हूँ बंदर, मैं हूँ बंदर। बंदर कैसे करता है भाई? हाँ ठीक। और अब बंदर के बाद तुम मिलोगे चौथे दोस्त से। मैं हूँ हाथी बड़ा निराला, मैं हूँ हाथी बड़ा निराला, चाल है मेरी बड़ी निराली, शान है मेरी बड़ी निराली। अरे हाथी तो बड़े जोर से आवाज करता है, कैसे करता है? ऐसे ही आवाज करता है हाथी। तो दोस्तों, गिलहरी, खरगोश, बंदर और हाथी, ये चारों दोस्त थे। अब तो तुम्हें मालूम है ना कि ये चारों दोस्त कौन कौन से हैं? अच्छा, तो उनके नाम बताओ। गिलहरी, खरगोश, बंदर और हाथी। हाँ, और अब सुनो आगे की कहानी। तो ये चारों दोस्त जंगल में एक नदी के किनारे रहते थे। तुमने नदी देखी है कभी? अरे भाई, नदी में ढेर सा पानी होता है जो बहता जाता है। ये चारों दोस्त नदी के किनारे रहते थे। तुम समझे नदी? हाँ, समझ गए। वो चारों दोस्त नदी में नहाते और खुश रहते। नदी के दूसरे किनारे पर फलों के पेड़ थे। क्या थे? फलों के पेड़। ये चारों दोस्त
नदी के दूसरे किनारे पर जाकर खूब फल खाते थे। लेकिन हाँ, हमने तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि वो नदी के पार कैसे जाते थे। कैसे जाते थे? अरे भाई, उन्हें तैरना तो आता ही नहीं था। फिर? इसलिए वो पुल के ऊपर से होकर नदी के दूसरी ओर जाते थे। अरे, पुल समझते हो ना तुम? अरे भाई, नदी के एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए लोग नदी के ऊपर बहुत सारी लकड़ियों को जोड़कर एक रास्ता बना लेते हैं। हाँ, कभी कभी लोग लकड़ियों के टुकड़ों की बजाय लोहे के टुकड़े भी जोड़ देते हैं और उनसे क्या बन जाता है? पुल। हाँ, उनसे बन जाता है पुल। तो चारों दोस्त नदी के ऊपर बने पुल से नदी के दूसरी ओर जाते थे। वहां वो खूब फल खाते। पार नदी के जाना हो तो वो पुल पर सरपट चढ़ जाते। जाकर पार नदी के वो मीठे मीठे फल खाते। क्या खाते? मीठे मीठे फल खाते। हाँ, एक दिन वो नदी के पार जाकर मीठे मीठे फल खा रहे थे कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। और फिर बहुत तेज वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए चारों दोस्त एक जगह छुप कर बैठ गए। वर्षा काफी देर तक होती रही। वर्षा इतनी तेज हुई कि नदी का पुल भी टूट गया। हाँ, नदी का पुल भी टूट गया। कुछ देर बाद जब वर्षा रुकी तो चारों दोस्तों को भी पता चला कि पुल तो टूट गया है। हाँ, वो दुखी होकर कहने लगे, अरे ये पुल तो टूट गया, अब हम नदी पार कैसे करेंगे? हम अपने घर कैसे जाएंगे? अब तो हमें हमेशा यही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारा प्यारा घर तो नदी के दूसरी तरफ है। आए, हमें कोई उस पार पहुंचा दे। हाँ, हमें पार पहुंचा दे। इस तरह की बातें करते करते चारों दोस्त उदास हो गए। फिर अचानक गिलहरी ने एक बात कही, अरे अगर हम पुल को फिर से बना लें तो हम फिर से नदी के उस पार जा सकते हैं। हाँ, हाँ, जा सकते हैं। तो गिलहरी रानी, जाओ तुम पुल बनाओ। ठीक है, पुल मैं ही बनाती हूँ। फिर गिलहरी रानी पुल बनाने गई, लेकिन कुछ ही देर में वो थक कर वापस आ गई। फिर खरगोश पुल बनाने के लिए गया, मगर वो भी कुछ देर में थक गया। क्या हुआ? थक गया। हाँ, इसी तरह बारी बारी से बंदर और हाथी भी पुल बनाने के लिए गए, मगर कुछ ही देर में वो भी थक हार कर लौट आए और फिर सब गाने लगे, टूट गया है पुल हमारा, पार नदी के कैसे जाएं? कोई बताओ आकर हमको, पुल को फिर हम कैसे बनाएं? पुल को फिर हम कैसे बनाएं?
पुल को फिर हम कैसे बनाएं? इन चारों दोस्तों की बातें एक चिड़िया भी सुन रही थी। चारों दोस्तों को दुखी देखकर वो उनके पास आई और बोली, अरे तुम दुखी क्यों होते हो? तुम पुल बना सकते हो। नहीं चिड़िया बहन, हम सब ने कोशिश करके देख ली है, हम पुल नहीं बना सके। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है, तुम सब ने पुल बनाने की कोशिश की, मगर अकेले 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 अकेले, अकेले? हाँ अकेले अकेले। अगर तुम सब मिलकर अपना अपना काम बांटकर पुल बनाओ तो पुल जरूर बन जाएगा। सच पुल बन जाएगा? हाँ सच। और फिर क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? गिलहरी, खरगोश, बंदर और हाथी ने मिलकर पुल बनाना शुरू कर दिया। कोई लकड़ियां लाया, किसी ने मिट्टी खोदी, किसी ने तख्ते बनाए और फिर चारों दोस्त मिलकर पुल बनाने में जुट गए। हईशा हईशा, जोर लगा लो हईशा, जोर लगा लो हईशा, आपस में मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर पुल बना लो हईशा, पुल बना लो हईशा, हईशा 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 हईशा। चारों दोस्तों ने जब मिलकर काम किया तो पुल बन गया। पुल बनने से चारों दोस्त खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए। हाँ, और फिर पुल पर से होकर चारों दोस्त वापस नदी के दूसरे किनारे की तरफ आ गए, जहाँ उनका घर था। क्या था? घर था। अच्छा एक बात बताओ, जब गिलहरी, खरगोश, बंदर और हाथी ने पुल पुल बनाने की कोशिश की थी तो उनसे पुल क्यों नहीं बना था? क्योंकि वो पुल को अकेले अकेले बना रहे थे। हाँ, जो काम अकेले से ना हो सके वो और कैसे हो सकता है? मिलजुल कर हो सकता है। कैसे हो सकता है? मिलजुल कर हो सकता है। बिल्कुल। सब मिलकर जब काम करें, 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 तो काम बने भाई काम बने, 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 सब मिलकर जब काम करें, सब मिलकर जब काम करें, तो काम बने भाई काम बने, तो काम बने भाई काम बने। यूं बना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख अर्चना प्रभाकर, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार सुषमा कौशिक, मालती कौशिक, यमन कौशिक, प्रवीण शर्मा, नीरजा गुलेरिया और कीमती आनंद, संगीत राकेश पंडित, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा वाचन निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभु दयाल खट्टर।